नमस्कार मित्रों, भारत का इतिहास वीर गाथाओं से भरा हुआ है। भारत की इस पावन धरा पर ऐसे लाखों वीरों ने जन्म लिया है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए अनगिनत बलिदान दिए हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारा एजुकेशन सिस्टम स्वतंत्रता के बाद भी अंग्रेजों की ही मानसिकता का अनुसरण करता रहा, इसीलिए हमारे इतिहास की किताबें विदेशी आक्रांताओं के महिमा मंडन से भी मां भारती के वीर सपूतों का, उनके साहसिक कार्यों का उल्लेख या तो है ही नहीं, अगर है भी तो मात्र दो पंक्तियों में। तो ऐसी ही एक वीर गाथा जिसे हमारे पाठ्य पुस्तकों में स्थान नहीं मिला, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने उसे हमें नहीं बताया और अधिकतर लोग उसे नहीं जानते हैं, ऐसी ही एक अनकही वीर गाथा को हमारे सामने रखने का प्रयास किया है एक गुजराती फिल्म कासुंबो ने। 16 फरवरी को इसे थिएटर्स में रिलीज किया गया है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपसे, यदि आपने ये फिल्म नहीं देखी तो कुछ भी नहीं देखा। देशभक्ति, इतिहास, समर्पण और स्वाभिमान का एक ऐसा खजाना है ये, जिसे आप किसी भी मूल्य पर खो नहीं सकते, छू नहीं सकते। इस फिल्म में उस समय के इतिहास को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है जब विदेशी आक्रांताओं ने भारत की पवित्र धरा पर आक्रमण किया था, लगातार आक्रमण कर रहे थे। उन्होंने दिल्ली में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। हिंदुओं पर क्रूर अत्याचार, जबरन धर्मांतरण, जजिया कर, मंदिरों को तोड़ना, स्त्रियों के साथ जघन्य अपराध, उन्हें मंडियों में बेचा जाना, ये सब बहुत सामान्य सी घटनाएं हो गई थी। बिना ये कुकृत्य किए ये लुटेरे पानी तक नहीं पीते थे। ऐसा ही एक लुटेरा था अलाउद्दीन खिलजी नाम का। अपने चाचा की हत्या कर उसने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया था। बहुत ही क्रूर और अत्याचारी था। एक बार जब उसने गुजरात पर आक्रमण किया तो अधिकांश भक्त उसने जीत लिया, लेकिन शत्रुंजय और पालिताना नामक जगहों को चाहकर भी उसकी सेना जीत नहीं पाई। मित्रों, ये शत्रुंजय पहाड़ियों का नाम है। ये वर्तमान में गुजरात के भावनगर में स्थित है। इन्हीं शत्रुंजय पहाड़ियों पर पालिताना मंदिर स्थित है। ये कोई एक मंदिर नहीं है बल्कि बहुत से सुंदर सुंदर मंदिरों का समूह है। इनमें से अधिकांश मंदिर जैन धर्म को समर्पित हैं। कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, स्वामी आदिनाथ ऐसे प्रथम जैन तीर्थंकर थे जिन्होंने इन पहाड़ियों पर ध्यान लगाया था। तो इन्हीं मंदिरों को तोड़कर खंडहर बनाना चाहता था वो आक्रांता अलाउद्दीन। लेकिन गांव वालों ने मिलकर किस प्रकार से मंदिरों की रक्षा की, अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया धर्म की रक्षा के लिए, यही दिखाती है यह फिल्म। मित्रों, ये फिल्म जब आप देखोगे तो आपको गर्व से भर देगी। आपको इस बात पर गर्व होगा कि आपने भारत में जन्म लिया है, भारतीय संस्कृति का अंग है आप। आप कितने भी कठोर हृदय के क्यों ना हो, फिल्म के अंत में अवश्य रो पड़ेंगे और खुद को परम सौभाग्यशाली मानेंगे कि आप ये फिल्म देख पाए हैं। मित्रों, मैं इस फिल्म के निर्माताओं को आपकी ओर से, अपनी ओर से, हम सब की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी अच्छी फिल्म बनाकर वास्तविक इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। बस थोड़ी निराशा इस बात की है कि ये केवल गुजराती में है, जबकि इसे हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं में भी रिलीज किया जाना चाहिए था, ताकि ऐसा सच्चा इतिहास, ऐसा गर्व से भर देने वाला इतिहास सभी तक पहुंच सके। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे भी हो सके हमें इसका समर्थन करना है, ताकि कासुंबो के जो मेकर्स हैं उनके पास इतना धन एकत्र हो सके कि जब वो अगली फिल्म बनाएं तो वो संपूर्ण भारत में उसे रिलीज कर सके, विभिन्न भारतीय भाषाओं में उसे प्रदर्शित कर सके। मित्रों, मैं इस फिल्म को 10 में से 10 सितारे देना चाहूंगा और ये अपने चैनल की शायद पहली फिल्म है जिसे 10 में से 10 सितारे मिल रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि यह फिल्म कितनी अच्छी है। एक बार अवश्य जाइए अपने परिवार के साथ और यह फिल्म अवश्य देखिए। यह आपका उत्तरदायित्व है, आपका कर्तव्य है ऐसी फिल्मों का समर्थन करना। यदि आप समर्थन नहीं करेंगे तो कल कोई साहस नहीं करेगा इस तरह का सच्चा इतिहास हम सभी के सामने प्रस्तुत करने का। बाकी यदि आपने ये फिल्म देख ली है तो मेरे विचारों से आप कितना सहमत हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सियाराम, जय मां भारती।